हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब अच्छे ही होंगे। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी तरह की लाइक यू नो झटपट क्विक सिंपल एंड यू नो घर पे ही इंग्रेडिएंट जो हमारी हमेशा रहती है उसी में बन जाने वाली अगर आप रेसिपीज़ वगैरह यू नो ढूंढ रहे हैं तो माय डियर फ्रेंड्स, आप सही जगह पर आए हैं। यहाँ पे आपको सब तरह की रेसिपीज़ मिलेगी एंड सिंपल क्विक झटपट बन जाने वाली एंड यम्मी रिलिशिंग रेसिपीज़ मिलेगी। ये सारी रेसिपीज़ जो है सिंपल तरीके से बढ़िया तरीके से बनने वाली रेसिपीज़ होती है जो मेरे चैनल में आपको मिलेगी। ओके, आज मैं आपको बताती हूँ कि मैं सिंपल तरीके से टेस्टी चिकन फ्राई कैसे बनेगा। यू नो नो मैरिनेशन का झंझट, नो उसे यू नो मैरिनेट करके उसे आधा घंटा 20 घंटा यू नो फ्रिज में रखने का एंड देन उसके बाद बनाना है, वो सब सारा कोई झंझट मारी नहीं है इसमें। हम बस सिंपल तरीके से लाइक यू नो क्विक झटपट यू नो फटाफट से हम उसी तरीके से लाइक यू नो सीधा गैस पे चालू करेंगे हम बनाना। एंड ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, दिस इज़ रियली 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 वेरी टेस्टी, वेरी ऑसम। आप इसे ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके भी बताइएगा कि आपको कैसी लगी। क्रिस्प सिंपल तरीके से चिकन फ्राई बन जाएगी हमारी। चलिए फिर देर नहीं करते हैं, फटाफट हमारी चिकन फ्राई बनाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं फिर हमारा एकदम सिंपल तरीके से चिकन फ्राई करना। इसमें तेल डाल देती हूँ मैं। इसमें मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल ले लिया है, कोई भी कुकिंग ऑयल आप ले सकते हैं। तेल गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें 1 मीडियम साइज़ के प्याज डाल दूँगी। इसे अच्छी तरीके से हम भून कर ले लेंगे, थोड़ा सा एक गोल्डन ब्राउन, डार्क गोल्डन ब्राउन होने तक। 1 टीस्पून मैं इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल देंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद हम जो प्याज जो हमारा है उसे अच्छी तरीके से हम गोल्डन ब्राउन होने तक इसको भून करके ले लेंगे, भून लेंगे। प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका है, अब मैं इसमें छोटी चम्मच आधा टीस्पून हल्दी पाउडर डाल दूंगी, आधा टीस्पून जीरा पाउडर, आधा टीस्पून धनिया पाउडर। मिक्स कर लेते हैं इसे अच्छी तरीके से। थोड़ा सा पानी डाल दूंगी इसमें। अब इसमें चिकन डाल देंगे, मिक्स कर लेते इसे। अब मैं इसमें 3 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर डाल दूंगी, थोड़ा सा पानी डाल देंगे। मैंने चिकन जो है करीबन 1.5 किलो के करीब लिया है और थोड़ा सा पीसेस बड़ा ही रखा है, क्योंकि चिकन फ्राई में थोड़ा पीसेस बड़ा रहेगा तो अच्छा लगता है। आप चाहे तो इसे और छोटी छोटी पीसेस कर सकते हैं। अब मैं इसमें सॉल्ट डाल देती हूँ, नमक डाल दूँगी स्वाद अनुसार। इसे मिक्स करके ले लेते हैं। एकदम थोड़ा सा पानी डाल देंगे इसमें, ज़्यादा पानी नहीं डालना है, सिर्फ थोड़ा सा ही पानी डालना है, क्योंकि अभी चिकन को जो है हमें अच्छी तरीके से इसे पका करके लेना है। इसे ढककर 10-15 मिनट के लिए रख दूंगी ताकि चिकन जो है हमारा टेंडर हो जाए। बीच बीच में हम चलाते रहेंगे। 1/2 छोटी चम्मच गरम मसाला डाल देंगे। पक चुकी है, अब मैं इसे 1/2 नींबू का जूस डाल देंगे इसमें, सिर्फ 1/2 लेमन का जूस। मिक्स कर लेते हैं इसे। 1 चम्मच टमेटो केचप, 1.5 टीस्पून सोया सॉस। इसे मिक्स करके ले लेते हैं। अभी काफ़ी सिंपल तरीके से फ्रेंड्स ये बन जाती है और बहुत यमी और रिलिशिंग है। सिंपल तरीके से इसे मैरिनेशन वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है और झटपट से भी बन जाती है, सबसे अच्छी बात उसकी ये है। एंड इसमें थोड़ा सा यू नो स्वीट टैंगी चटपटा फ्लेवर भी है, तो हमारी चिकन फ्राई भी जो है इट लुक्स रियली ऑसम। काफ़ी अच्छी यू नो बढ़िया खुशबू आ रही है सीरियसली। इसमें पुदीने के पत्ते डाल देंगे, कोथमीर और थोड़ा करी पत्ता। मिक्स कर लेते हैं इसे अच्छी तरीके से। अभी हमारा चिकन फ्राई जो है एकदम से रेडी हो गया है। मैंने गैस का फ्लेम जो है मैंने बंद करके ले लिया है। आप देख सकते हैं कितना सुंदर बढ़िया कलर आया है एंड इवन लाइक यू नो पूरा मसालेदार क्रंची हमारा चिकन फ्राई जो है रेडी हो गया है। ओके फ्रेंड्स, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।